देखिए यहाँ पे द फंक्शन एफ एक्स दिया हुआ है यहाँ पे, जैसे पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी कंटिन्यूटी के बारे में यहाँ चेक करना था। चलो ना आप देखो ना यहाँ पे अगर हम लोग देखें वन पे ही, जैसे मान लो वन पे ही लेके चलते हैं, ठीक है कुछ वैल्यूज पे हमें चेक करना पड़ेगा। चलिए हम लोग वन पे ही चेक करते हैं, ठीक है इस तरह से आसान हो जाएगा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट एक्स का वैल्यू वन लेते हैं और लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे यानी कि वन से लेस देन की बात हो रही है, तो वन से लेस देन में इसमें आ जाएगा देखो, क्योंकि अगर एन का वैल्यू आप यहाँ टू रख दोगे तो टू रखने से यहाँ वन से लेस देन आ जाएगा कि नहीं, ठीक है वन से लेस देन आ जाएगा यहाँ टू रखने पर, यानी कि एन का फंक्शन ये होगा और इसमें क्या करेंगे टू रख देंगे एन के प्लेस पे, यहाँ वन बाई टू का स्क्वायर, समझे ना बात को, यानी आ जाएगा वन बाई फोर। अगर हम लोग यहाँ राइट हैंड लिमिट निकालेंगे तो लिख सकते हैं लिमिट एक्स टेंस टू वन पावर में प्लस और फंक्शन आपका एफ एक्स, लिमिट एक्स टेंस टू वन पावर में प्लस एफ एक्स का वैल्यू तो वन से ग्रेटर के लिए वन है और वन का लिमिट जो होगा वन का लिमिट जो होगा वन ही आ जाएगा। ये दोनों इक्वल नहीं है, इस पर डिसकंटिन्यूस है, हम लोग देख रहे हैं कि ये वन पे डिसकंटिन्यूस हो रहा है क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल नहीं है। अच्छा वन पे डिसकंटिन्यूस हो रहा है तो आप अगर आप ऑप्शन में देखो या कर डिसकंटिन्यूस एट द इनफाइनाइट मेनी पॉइंट्स, अच्छा इससे ऐसे तो ये डिसकंटिन्यूस बहुत सारे पॉइंट पे होगा लेकिन अभी आगे और ऑप्शन देखिए, डिसकंटिन्यूस एवरीवेयर नहीं, ये नहीं हो सकता है, इज डिसकंटिन्यूस ओनली एक्स इक्वल टू प्लस माइनस वन बाई एन। आप इस ऑप्शन को देखो, अगर आप यहाँ एन के जगह कोई इंटीजर जैसे यहाँ कह रहा ना कि जीरो को छोड़कर कोई भी इंटीजर ले सकते हैं, जैसे आप यहाँ वन रखें तो वन रखोगे तो वन बाई वन एक्स का वैल्यू वन और वन पर हम लोग ये देखे कि डिसकंटिन्यूस हुआ है, माइनस वन पर भी इसी तरह से अगर आप चेक करोगे तो डिसकंटिन्यूस होगा, या मान लो आप टू रखते हैं तो वन बाई टू पर भी चेक करके देख सकते हैं इसको, ये डिसकंटिन्यूस होगा और टू पर भी डिसकंटिन्यूस होगा, यानी कि ये वाला ऑप्शन ज़्यादा सुटेबल दिख रहा है। आप चेक करके ऐसे बहुत सारे पे चेक कर सकते हो, ठीक है, यानी कि सी नंबर आपका सही आंसर दिख